हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन सी गलती की वजह से हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुद का अपना कंटेंट बनाते हैं, काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, फिर भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने से पहले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप एक भी गलती कर देते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको छोटी बड़ी सारी मिस्टेक्स एंड बातें बताने वाला हूँ, जो आपके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को अंडर रिव्यू में भेजने से पहले आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाए। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का हम आपको नॉलेजेबल यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4K आवर्स का वॉच टाइम एंड आपके चैनल पर 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होना चाहिए और आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन कम्प्लीट होना चाहिए, तभी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में भेज सकते हैं। तो जब आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में भेजते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने अपना जो चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया है और आपको कोई वीडियो में कमी लगी तो आपने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो वॉच टाइम है वो भी माइनस हो जाएगा। तो हो सकता है आपका वॉच टाइम कम्प्लीट ना हो, यानी सफिशियंट ना हो, पर्याप्त ना हो मोनेटाइजेशन के लिए, तो इसकी भी वजह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में भेज देते हो, तो सबसे पहले YouTube आपके चैनल का मेन थीम देखता है, यानी जो आपकी मेन कैटेगरी क्या है, आप कहीं ना कहीं कंटेंट मिक्स तो नहीं कर रहे हैं। एक दो वीडियो डालने से कुछ नहीं होता, अगर आप एक कैटेगरी में अगर कई तरह की वीडियो डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं तो आपका चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो आपको ये भी गलती बिल्कुल नहीं करना है। और इसी में अगला पॉइंट है, जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो अंडर रिव्यू में, तब YouTube आपकी पॉपुलर एंड लेटेस्ट वीडियो भी चेक करता है। तो इसमें आप ध्यान रखें, आपने जो भी मिसलीडिंग मेटा डेटा किया हो तो उसको आप अच्छी तरीके से पहले 2-3 दिन पहले उस चैनल को खुद से चेक कर लें, तो आप ये क्लियर कर लें जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल भेजें, तो आपने पॉपुलर वीडियो है, आपकी जो लेटेस्ट वीडियो है, तो उनमें आप कहीं मिसलीडिंग मेटा डेटा तो नहीं कर रहे हैं। मिसलीडिंग मेटा डेटा का मतलब जो आपके टैग है, कीवर्ड्स, आपका जो SEO पार्ट होता है, उसमें आप कहीं मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं। आप जो डिस्क्रिप्शन है, आपका टैग बॉक्स है, उसमें आप अनवांटेड टैग्स एंड कीवर्ड्स तो नहीं डाल रहे हैं, यानी आपका वीडियो का टॉपिक कुछ है और आप अपने वीडियो के टैग में बड़े यूट्यूबर्स का नाम डाल रहे हैं या फिर कुछ अदर टाइप का कीवर्ड्स डाल रहे हैं, यानी वीडियो को वायरल करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में आप बहुत ही ज़्यादा हैशटैग लगा रहे हैं, तो ये स्पैम में आ जाता है, यानी मिसलीडिंग मेटा डेटा हो जाता है। तो ये भी आप अपने चैनल को जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजें तो उससे पहले चेक कर लें, कहीं आपने उन वीडियो में जो पॉपुलर एंड लेटेस्ट वीडियो है उनमें आपने कोई मिसलीड तो नहीं किया है, यानी आप थंबनेल पे कुछ बता रहे हैं, वीडियो में कुछ और है, तो अच्छी तरीके से आप चेक कर लें। अब जो अगला पॉइंट है वो है, आपका कंटेंट एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जो आपका कंटेंट है, जो आप अपनी वीडियो में बता रहे हैं, वो यूट्यूब के जो पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उसके जो रूल है, उनको आपका कंटेंट फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। अगर आप खुद का भी कंटेंट बनाते हैं बट आपका जो कंटेंट है, आपका जो वीडियो है, यूट्यूब के पॉलिसी एंड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा और आपको स्ट्राइक भी मिल सकता है, यानी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी मिल सकता है। और जब आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है तो वो 90 डेज से पहले नहीं हटती है और आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं करा सकते जब आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी, यानी 90 दिन तक आप नहीं करा सकते, जब तक वो रिमूव नहीं हो जाती तब तक आप अपने चैनल के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका जो कंटेंट है यूट्यूब के रूल्स एंड पॉलिसी को फॉलो करता हो, तभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। अब जो अगला पॉइंट है वो है रियूज कंटेंट। अब बहुत से लोग रियूज कंटेंट डालते हैं, यानी खुद का कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो दूसरों का कॉपी करके यूट्यूब पर डालते हैं, चाहे उनके चैनल पर कोई स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कोई कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं हो और उनका वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो, फिर भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाए, क्योंकि ये रियूज कंटेंट पॉलिसी में आ जाएगा। यूट्यूब पर रियूज कंटेंट बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप रियूज कंटेंट को लेकर, यानी किसी दूसरे का कंटेंट लेकर आप अपनी वीडियो को थोड़ा बेहतरीन बना सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी का पूरा कंटेंट कॉपी करते हैं और उसको सेम टू सेम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो वो मोनेटाइज यूट्यूब नहीं करता है, भले को आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम कुछ भी ना मिले, आपका वॉच टाइम पूरा हो, सब्सक्राइबर भी आपके चैनल पर पूरा हो, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो रियूज कंटेंट पॉलिसी में आ जाता है, जिसकी वजह से यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता है। तो आपको अगर कंटेंट अपना मोनेटाइज कराना है तो आप दूसरे के कंटेंट भी जो
क्रिएटिव कॉमर्स वीडियो होती हैं, यानी जो क्रिएटिव कॉमर्स वीडियो होती हैं उनको भी आप इजीली मोनेटाइज करा सकते हो, बट आपको खुद की कोई ना कोई वैल्यू वीडियो में ऐड करनी पड़ेगी, यानी खुद का कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी तभी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करता है, अदरवाइज मोनेटाइज नहीं करेगा। यही थी कुछ मेन मिस्टेक्स एंड बातें जो आपको मोनेटाइजेशन से पहले ध्यान रखना चाहिए, और ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को नहीं करोगे और जो मैंने बातें बताई उनको ध्यान रखते हो तो आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का नॉलेजेबल कॉन्टेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।